लाइट लेके खड़ा हो चुका है। इधर दिखा क्वालिटी, इधर आएगी आधी, इधर दिखा। चिल्ला रहा तुझे, तू तो कूल टेक कर। वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, मैंने कल के व्लॉग में बोला था कि मैं आ जाऊंगी अपनी मार्कशीट लेने के लिए स्कूल में, तो मैं आज नहीं जा रही हूँ। वो इसलिए गाइस क्योंकि मुझे अपनी एक फ्रेंड के साथ जाना था, उसने मना कर दिया है। तो हम दो दिन बाद जाएंगे, शायद कल जाएंगे, पर आज नहीं जा रहे। और मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि जब मैं वहीं नहीं जा रही तो वहाँ पर नहीं जा रही, क्योंकि मेरे स्कूल के पास ही वो डॉक्टर है। तो आज तो हो गया कैंसिल, आज मैं रहूँगी घर पर। गाइस, मेरा सारा काम हो चुका है, सारा डन हो गया है, मैं नहा भी ली हूँ। अब बस एक काम बचा है, मेरे को खाना खाना है, टाइम भी हो रहा है, तो खाना खा लेते हैं। गाइस, मैंने बनाए हैं आज ये आलू टमाटर, पर इनकी जो शेप है ना वो गोल है। आज मैंने ऐसे लंबे लंबे नहीं काटे, मैंने आलू को आज मैंने गोल शेप में दिया। तो मैं अपने खाना खा लेती हूँ। लड़का देखो, सारे कपड़ों की तय बनाते ना, सब बेकार कर देगा, है ना? नहीं नहीं, तू ही बेकार करता, और बेकार कौन करता? देख कहाँ चढ़ रहा है, देख क्या ढूंढ रहा है। तो कल से आदि भी जाया करेगा स्कूल, कल से उसके भी स्कूल ओपन हो जाएंगे, और कल से वो भी जाएगा स्कूल। फिर सारे तो लेट आया करेगा, तो लेट आएगा। आज याद आ रही है गाइस, इसको अपनी ड्रेस धोना, देखो इतने दिन बाद, यानी कि डेढ़ महीने बाद। दो रखी है, देख रहा है, प्रेस वगैरह कर लियो आज ही, नहाता भी नहीं है। गाइस, मैं खाना खा लेती हूँ, खाना खाने के बाद मिलते हैं आपसे। तो बता, सुबह से मतलब जब मैं आपसे बोल रही थी मैं खाना खाऊंगी, मैं अब जाके ब्लॉग बना रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं सो गई थी और अब जाके उठी। अब टाइम हो रहा है, 4:30 बज रहे होंगे, और मम्मी नहा रही है, और मम्मी यार पता जल्दी आ गई थी क्योंकि उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनके पेट में दर्द बहुत ज़्यादा है, तो वो जल्दी आ गई है, तो अब वो नहा रही है। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मैं जब खाना खा कर सो गई थी और अब उठी हूँ तो फिर भूख लग रही है। तो मैं ना अपने लिए चावल फ्राई करने वाली हूँ, क्योंकि और कुछ रखा ही नहीं। प्रियने वाले चावल मैं इनको फ्राई करूँगी, एक चीज़ से मैं अपने फ्राई राइस बना सकती हूँ, ये इतना टैलेंट है मेरे अंदर। बस ना प्याज लिए, मेरे चावल हो गए हैं फ्राई, और देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, बिल्कुल मेरे तरह। मेरे चावल फ्राई हो गए हैं, और साथ ही अब चाय बना रही है। यार पहले बना लेती, मेरा ना खाना खाने का ना, अरे देखो मेरे को पसीना, देखो गाइस अब कितना आ रहा है। बस थोड़ा सा मैं किचन में काम करती हूँ ना, मेरे ना पसीना आने लग जाता है। तो गाइस, मेरा ना खाना खाने की जो मेरी जगह है वो यहीं पे है, पौधों के बीच में। अगर रात होती है तो मैं अंदर बैठ के खाती हूँ, और अगर सुबह हो रही है या फिर शाम को, तो मैं यहीं पर बैठ के खाना खाती हूँ। मुझे यहाँ बैठ के ना वो सुकून सा मिलता है बहुत ज़्यादा। एक तो ना तरी क्या क्यों कैसे पर नहीं पता गाइस, इसको क्या बोलते हैं, इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ नहीं पता, पर मुझे बड़ा मज़ा आता है यहाँ पर बैठ के खाने में बहुत। गाइस, तो आज हमारे घर पे बनने वाली है तोरियां, ये रही तोरियां। और ये आदि देखो कितनी बुरी दिशा वाली तोरी लेकर आया है, ये आदि लेने गया था तो अपनी अपनी शक्ल जैसी तोरी लेकर आया है वो, देखना। और ये वाली, इसकी कंडीशन देखो कितनी खराब हो रही है। ओ, ये तो ज्यादा बेकार लेकर आया है वो, आपने उसे भी लेने भेज दिया मम्मी। अरे मेरी, मैं तो इतना बताती हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वजह से मैं गई नहीं थी बाजार। देखना वो कैसी तोरी लेकर आया है, ये तोरी बनाने के लायक है लेकर, पता नहीं कितने की लेकर आया है। पर देखना गाइस, इनकी रंगत देखो आप कितनी बेकार हो रही है। तोरी इतनी ग्रीन ग्रीन फ्रेश फ्रेश थी, अच्छी लगती है, और मुझे तो लगता नहीं कहीं से फ्रेश नजर आ रही होंगी, यानी कैसी तोरी लेकर आया है ये। काम ढंग से नहीं करता गाइस, एक भी काम, सारे काम ना एक तो नाक मार के करता है। अब आज गाइस बन रही है तोरियां, मेरे को तो तोरी काफी अच्छी लगती है, है ना। इसमें मैं मम्मी पे गई, मम्मी को तोरी अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, मुझे मूंग की दाल भी अच्छी लगती है। नहीं तो मम्मी बच्चों को अच्छी नहीं लगती ना मूंग की दाल, तोरी वगैरह अच्छा बनाती हूँ ना, इसलिए अच्छी लगती है भाई तुझे। जब अच्छा ना बनाओगे तो अच्छा लगेगा, नहीं देखती बाकी तो नहीं खाते तोरी, और निशान भाई तो नहीं खाते। मैंने तुझे सबसे पहले तोरी खिलाई थी ना, तुझे अच्छी लगी नहीं ना वो वाली, तलक नहीं भूली सारी तोरी का टेस्ट पता। मैंने पहले तोरियां नहीं खाती थी, देख इनकी रंगत दे तू कैसी हो रही, देख मेरा इतना मन था कि आज तोरी खाएंगे फ्रेश फ्रेश, और ये तोरी खा के लिए आया फ्रेश है भाई। यू क्या है, देखियो क्या है ये, नहीं तू देख के, तूने खुद नहीं चढ़ाई थी ये, वो उसने चढ़ा दी है ना, तभी वो ऐसी खराब है, सारी खराब है, वापिस करिए इनको, कह रहा की हमने ले रहे वाला गादी। संकेत मिल चुके हैं तुझे पिटने के,
तो वापस करने जाएगा नहीं वो तोरी। गाइस मेरी इतनी बुरी हालत हो चुकी है, यहाँ से पूरी टी शर्ट मेरी आय हाय पसीना से भीग चुकी है, तो ये वापस करने नहीं जाएगा, तो हमें ना यही तोरी बनानी पड़ेगी गाइस। तो आधी रिंग लाइट लेके खड़ा हो चुका है, इधर दिखा क्वालिटी, इधर आएगी आधी, इधर दिखा, चिल्ला लो तुझे, तो उल्टे गाइस ये इतना उल्टा काम करता है बहुत ज्यादा, ठीक है मैं शूट कर रही हूँ तो मुझे जोर देना भाई, मुझे फिर दिखा रही है, मैंने बस ये कहा गाइस तो साइड में आधी रिंग लाइट लेके खड़ा है सपोर्ट के लिए, अब देख अब मुंह में घुसा दे इसको। तो गाइस हम ना शूट कर रहे हैं मम्मी का, मतलब मम्मी की रेसिपी, मम्मी ने तो बनाई नहीं थी तो आज शूट करेंगे हम, तो मम्मी आ चुकी है किचन में, तेरी रखी होगी किचन आ चुका, देख के अब बेकार आ रही ना क्वालिटी, अपने घोड़े वाला दिमाग मत लड़ा, घोड़े वाला दिमाग तेरा, तेरा सुअर वाला दिमाग है, तेरा घोड़े वाला दिमाग है। तो गाइस हम मम्मी की वीडियो शूट कर रहे हैं, उसके बाद आपसे मिलेंगे। तो गाइस हमारा पैकअप हो चुका है और मैं एक पहली ऐसी मतलब वो होगी क्या बोलते हैं कर्मचारी जब मैं पैकअप के बाद ना हंसती हूँ, इसलिए क्योंकि गाइस बता मम्मी मेरे फोन से शूट हो रहा था मम्मी का, और मम्मी ने माइक लगा रखा था, मम्मी गई वॉशरूम में और अगर हम ध्यान नहीं देते तो मम्मी की रिकॉर्ड होती बाकी कितनी गर्मी है अंदर। तो गाइस फिलहाल वीडियो हो चुकी है शूट, देखो कितना पसीना आ रहा है, इतनी बुरी हालत हो जाती है, इतना पसीना आता है बहुत ज्यादा, और शायद से एक घंटे तो हो गया होगा यहाँ पे लगे लगे ना पंखा ना कुछ, मेरी हालत हो चुकी है खराब। और मम्मी ने क्या बनाया है तो मैं आपको दिखाती हूँ, मम्मी ने बनाया है आज पोहे, रसोड़े में क्या बने हैं पोहे, रसोड़े में बने हैं पोहे, क्या बने आदि रसोड़े पोहे बने हैं पोहे हमारे, इसको टेस्ट करके बताऊंगी मम्मी। तो गाइस मैं आप लोगों को बताती हूँ खा के कि मम्मी ने पोहे कैसे बनाए हैं, ये बन रहे बहुत खट्टा मीठा टेस्ट आ रहा है, मुझे तो अच्छा लगा। मैं नहाने जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। गाइस मैं आई हूँ छत पे और मैंने नहाने के बाद ना अपनी दवाई लगाई है कि जल्दी से ये ठीक हो जाए, क्योंकि बढ़ते जा रहा है गाइस, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो आज मैंने इसमें दवाई लगाई है, होपफुल कि जल्दी से ठीक हो जाए गाइस और जल्दी से ठीक हो जाए बस मेरी। गाइस फिलहाल हम सब ना छत पे आए हुए हैं, रोज तो मैं ही आती हूँ, पापा आते हैं, आज मम्मी स्वाति निशांत भाई आदि सब है, अंधेरे में दिखेंगे नहीं दिख रहे हैं, तो हम घूम रही थी क्योंकि मैंने खाना खा रखा है गाइस, तो पोहा खाया था तो पोहा ज्यादा हावी हो गया, इस वजह से मैं बस घूम रही हूँ ताकि पोहा मेरा पच जाए। तो गाइस मैं घूम के थक चुकी हूँ, हालांकि सिर्फ चार चक्कर लगाए वो अलग बात है, पर मैं थक गई क्योंकि मैं हूँ ढिलन गाइस, हाँ मैं ढिलन हूँ बहुत बढ़िया अपने घर में, ये बता दूं मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही क्योंकि मैं बेशरम हो चुकी हूँ, क्या बोलते हो भाई बेशरम होगी मैं, यू आर राइट, नहीं गाइस मैं बेशरम नहीं हूँ, बहुत अच्छी सी बच्ची हूँ। तो गाइस फिलहाल व्लॉग एंड करते हैं, मैं ये बोलना चाहती हूँ फिलहाल करते हैं व्लॉग गाइस एंड, आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया तो करना लाइक कमेंट शेयर, और मेरे चैनल को गाइस करना सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना कमेंट करना, मैं मिलूंगा एक अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।